तो ये वाली वीडियो पूरा का पूरा ओरिजिन बेस्ड होने वाली है, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्पाइडरमैन का विलन मिस्टर नेगेटिव का आखिर ओरिजिन क्या था और एमसीयू में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। तो मार्टिन ली एके द मिस्टर नेगेटिव का फर्स्ट अपीयरेंस 2007 मई में अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 1 में हुआ था। तो नॉन कॉमिक बुक फैन और जिन्होंने PS4 की स्पाइडरमैन की गेम नहीं खेली, उनको शायद इस विलन के बारे में पता होगा, क्योंकि ये विलन हमारे ग्रीन गॉब्लिन या फिर डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक भी है, जहाँ पर आपको इतना भी ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है इस कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नो वे होम और फार फ्रॉम होम में इसका सेटअप आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। हाँ, वही फीस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका पार्ट हमारे मेयोंग को देखा था हमने फार फ्रॉम होम में, उसी ऑर्गेनाइजेशन को ही हमारा विलन मिस्टर नेगेटिव चलाता है। तो चाइना में एक गैंग था जिसका नाम था स्नेक हेड गैंग। तो इसका मेंबर ही हमारा मार्टिन ली था, और वैसे देखा जाए तो हम इसको मार्टिन ली भी नहीं कह सकते, जिसके बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा। तो ये वाला गैंग एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा करता था और इसके साथ साथ स्मगलिंग भी करता रहता था, जहाँ पर वो ऐसे काम किया करते थे कि जो माइग्रेंट्स थे हमारे चाइना के, जिनको हमारे न्यूयॉर्क को जाना था लेकिन बिना पासपोर्ट या फिर बिना आइडेंटिटी के, तो ये इसका ही इलीगल धंधा करते थे, जहाँ पर इन सबका लीडर सिल्वर फैंग नाम का एक बंदा था जो कि स्नेक हेड को चलाता रहता था। तो वही बंदा जो कि मार्टिन ले आगे जाकर बनता है, और इसके साथ साथ मिस्टर नेगेटिव भी, वो एक बार ही इस शिप पर जा रहा था फ्यूजन से हमारे अमेरिका के लिए, जिस शिप का नाम था गोल्डन माउंटेन। और नियरली जब शिप पहुंचने ही वाली होती है न्यूयॉर्क के शोर तक, उससे पहले ही शिप क्रैश हो जाती है, जहाँ पर जितने भी स्लेव्स जा रहे थे वो सभी मारे जाते हैं, और उनमें से ही एक सोल सर्वाइवर था जिसने एक मरे हुए व्यक्ति मार्टिन ली का आइडेंटिटी ले लिया था, जो कि न्यूयॉर्क में अपने वाइफ से मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन उतने में ही मैगिया नाम का एक क्राइम ग्रुप था जो कि न्यूयॉर्क में बहुत ही पॉपुलर था, तो उनमें से ही एक मेंबर सिल्वरमैन ने हमारे मार्टिन ली को पकड़ लेता है और एक साइंटिस्ट को लेकर दे देता है जिनका नाम सिमोन मार्शल था। तो वो एक इलीगल केमिस्ट भी थे जो कि डी लाइट नाम का एक खतरनाक केमिकल भी बना रहे थे, लेकिन उनके लिए उसको टेस्ट सब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे। तो जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हमारे न्यूयॉर्क में आ रहे थे को किडनैप करके उनके ऊपर ही ये डी लाइट नाम का केमिकल टेस्ट किया जा रहा था, जिनमें से हमारा मार्टिन ली का कैरेक्टर तो एक था ही था, उसके साथ साथ और दो भी बंदे थे जिनका नाम टायरोन जॉनसन और टैंडी वावन थे। ये तीनों ही आगे जाकर सर्वाइव कर लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, और इस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव करने के साथ साथ ही उनके बॉडी में इस ड्रग के कारण ही ऐसे कुछ सुपर पावर्स डेवलप होते हैं जो कि रिलेटेड थे डार्क फोर्स एंड लाइट फोर्स से। और इन तीनों ने ही आगे जाकर अपने अपने रास्ते चुने, जहां पर हमारे क्लोक एंड डैगर बने टायरन और टैंडी, लेकिन हमारा मार्टिन ली आगे जाकर क्राइम लॉर्ड बनने के सपने देख रहा था, और उसके बॉडी में मार्टिन ली वाला कैरेक्टर और मिस्टर नेगेटिव वाला कैरेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे, जहां पर मार्टिन ली वाला कैरेक्टर हमारे चाइना से आया हुआ एक इमिग्रेंट था, लेकिन हमारा मिस्टर नेगेटिव एक क्राइम लॉर्ड बन चुका था। इसके साथ ही वो सुपर पावर हासिल करने के बाद वो मैगिया क्राइम ग्रुप को ख़त्म कर देता है, और आगे जाकर ही ऐसे अपने हाथ फैलाता रहता है जैसे कि वो न्यूयॉर्क सिटी का न्यू किंग पिन बन सके। इसके साथ ही वो इस ग्रुप का लीडर भी बन गया, और आगे जाकर ऐसे बहुत से इलीगल काम और बिजनेसेस करता गया, जिनके कारण ही वो आगे जाकर अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। तो बात करें इसके अपीयरेंस के बारे में, तो जैसे कि हमने पहले ही कहा था, इसके दो टाइप के पर्सोना थे, जिनमें से मार्टिन ली वाला कैरेक्टर तो नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही दिखता था, लेकिन मिस्टर नेगेटिव वाला कैरेक्टर एक डार्क कलर के स्किन में एक वाइट कलर के बालों के साथ, मतलब आप जैसे नेगेटिव वाले फोटो देखते हैं कुछ इसी तरह का ही लुक था। लगे हाथ उसके पावर्स के बारे में भी बात करें, तो वो डार्क फोर्स एंड लाइट फोर्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है, और जैसे कि हर एक विलेन का सुपर पावर होता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस, वो भी इसमें समाये हुए थे। और इसके साथ साथ वो चार्ज्ड वेपन भी बना सकता है अपने लाइट फोर्स एंड डार्क फोर्स का इस्तेमाल करके, और अपने छूने भर से ही लोगों को करप्ट बना देता है। और इसी पावर के साइड इफेक्ट आप एंटी वैनम में देख सकते हैं, जहां पर हमारा मिस्टर नेगेटिव एक बार वैनम के कैंसर को ठीक करने के लिए उसे छू देता है, जिसके कारण एंटी वैनम का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी वो सारी चीजें जितने चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए एमसीयू में इस विलन का इंट्रोडक्शन होने से पहले। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और आपको अगर ऐसे ही कंटेंट्स पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बगल में पड़े उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।